भाई कोई चीज है यार। हाँ भाई वही चीज है जो अभी दिखी थी यार वहाँ पे। अबे भाई, अबे भाई वो देख तीनों चीजें वही है यार। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में मीट ब्लॉग्स पे। आज आपका भाई आया है एक और न्यू हॉन्टेड लोकेशन पे। इस लोकेशन पे यार यहाँ की जो घटना है आप लोगों को पता चलेगा ना, तो आप लोगों के भी यार दिल में ऐसा लगेगा कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे है वो मैं आप लोगों को बताऊँ। यहाँ पर यार एक माँ और उसका एक लड़का और एक लड़की कि आत्माएं अब तीनों लोगों की यहाँ पे दिखाई देती। क्या हुआ था उनके साथ और क्यों यहाँ पे दिखाई देते ये सब कुछ बताएगा आपका भाई। लेकिन बताने से पहले आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग आ जाते हो यार वीडियो देख लेते हो, लाइक नहीं करते सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन लाइक ज़रूर किया करो वीडियो को। लाइक कर दिया हो तो अब मैं आपको बताऊँ जो चीज़ यहाँ पर है। ये जो रास्ता आप लोग देख रहे हो कच्चा, ये जंगल से होकर एक गाँव को जाता है जो इस जंगल के काफ़ी दूरी पे वो गांव है। यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पे वो गांव है। उसी गांव की वो जो यहाँ पे माँ है और उसके लड़का लड़की है वो रहते थे। और जो यार माँ है ना उसका जो पति था यार बहुत ही शराबी और मतलब कि ऐसे ऐसे नशे करता था तो उसको बर्दाश्त नहीं था बस, बाकी सब और बहुत सारी खुराफात वो किया करता था। उसके बाद यार वो लोग बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो गए। वो मारता भी था यार शाम को जब आता था दारू वारू पी के। उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि यार ये रास्ता गया हुआ है उसके घर में जहाँ पे वो माँ रहती थी। वो गई अपने जा रही थी घर तो उसको पता नहीं क्या आया ख्याल इस जंगल में उन तीनों लोगों ने यहीं पर यार सुसाइड कर लिया। और अब कोई भी व्यक्ति दिन में इस रोड पे निकलता है तो उसको वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। बच्चे काफ़ी ज़्यादा उसके रोते रहते हैं और वो भी यार अब सोचती है मैंने क्या कर लिया अनजान में। मतलब कि ऐसा हो जाता है यार कभी कभी टेंशन आ जाती है कि यार अब आत्महत्या ही कर ले, तो उन लोगों ने भी आत्महत्या कर ली यहीं पर। अब वो तीनों लोग सोचते हैं यार नहीं ऐसा करना चाहिए था। अब वो तीनों लोग यार यहाँ पे भीख तक मांगते हैं यार इनको कोई मुक्ति करवा दे, कैसे ऐसे लोग यहाँ पे बोलते हैं। बस यही सुन के हम दोनों भाई यहाँ पे आए हुए। भाई लोकेशन दिखाते कैसी पीछे बार लाइट बढ़ा लिया, लाइट फुल है यार। अब हम लोग जाने वाला है इन जंगलों के अंदर जो रास्ता है जहाँ पे उन लोगों ने सुसाइड किया है यार। पता नहीं किया हुआ है या तो किसी ने उनको मार दिया, ये तो कुछ पता नहीं। ये एक दिन पहले दिन में निकली थी यहाँ से 4 बजे और उनको पता चला सुबह 10 बजे दूसरे दिन वो लोग यहीं पर मरे हुए पाए गए। उसके बाद से इस रोड पर मतलब कि कोई नहीं निकलता, गाँव वाले साफ साफ यहाँ पर एक बाहर बॉर्डर लिखा हुआ लगा है यार, वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखा पाया। उसके लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि यार वो नहीं दिखा पाया हूँ। तो ये लोकेशन का नाम, तो लोकेशन का ये नाम नहीं बता सकता हूँ कि हर लोकेशन का नाम बताना कोई ज़रूरी भी नहीं होता है। तो अब हम लोग अंदर जाएंगे जहाँ पे वो लोग ऐसा लग रहा कुछ चल रहा है, उन लोगों ने दम तोड़ा था। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर देना, ठीक है। क्योंकि यार हम लोग यहाँ पे आते हैं सिर्फ आप लोग सोचते हैं कि यार लाइक करोगे ना, ठीक है। पीछे लगा भाई, पता नहीं यार दोस्तों यार इन जंगलों के बीच रोड पे हम लोग जाएंगे, देखेंगे यार क्या होता है क्या नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है।
ओए अबे क्या था भाई? कुछ नहीं यार। ओए ओए ये क्या है यार? क्या था? पेड़िया हिल रहा है यार अभी। ओए ओए ओ पेड़ कितना बड़ा। ओए ओए देखा भी जो चीजें हैं हम लोगों को वहां तक जाने ही नहीं देना चाहती है। जो चीज मौके पे हुई थी अब आप लोग ही देख सकते हो भाई। हवा भी कितनी जोर जोर से चलने लगी। ये पेड़ दिखा यार कितना बड़ा है। ओए और कितना भयानक है भाई। चल आगे बढ़ यार। ओए क्या है ये? क्या गड्ढा टाइप का यार? जानवर हो सकते हैं यार यहाँ पे किसी जंगल में। अबे चारों तरफ तो यहाँ पे जंगल है भाई। ऐसा लगा वहाँ पे कुछ बैठा है। ओए ये देख बिल्कुल साफ साफ डाले हैं वही है। ये देख है पता नहीं दिख रहा ना? हाँ भाई। ओए ऐसा लग रहा कोई पीछे पीछे चल रहा। ओए बे भाई पता नहीं क्या था यार। अबे हो क्या रहा है यार? भाइयों दोस्तों हम लोग यार जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ज्यादा यहाँ पे मतलब कि डाले हिल रही हैं। कहीं पे कुछ भी हो रहा है मतलब कि यार हम लोगों को अंदर जाने ही नहीं देना। ओ यार भाई देख यार भाई थोड़ा बढ़ यार। कौन है यहाँ पे? अगर कोई है तो सामने आ सकते हो भाई। पीछे लगा दिखा कोई है क्या तेरे पीछे भी? भाई कुछ नहीं यार दिख रहा है। दोस्तों ऐसे ऐसे यार जंगल है इनमें आदमी वैसे भी दिन में नहीं निकलता है और उसके बाद जब से वो यहाँ पर एक मीटर हो गया है ना उसके बाद तो और कोई भी नहीं निकलता है। आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह घने घने पेड़ यहाँ पे लगे हुए। ओए कुछ है भाई पेड़ कुछ क्रप्चर हुआ भाई? रुक रुक कुछ क्रप्चर हुआ पता नहीं भाई। वही कुछ था यार मतलब कि ओ ओ देखो ओ ये लोकेशन यहाँ पे उन लोगों की मतलब कि यहाँ पे यहाँ पे ओ माँ और उसके लड़का लड़की दोनों की यहीं पे तीनों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये तो किसी को भी जानकारी नहीं है। लेकिन इस लोकेशन पर यार कोई आता नहीं है यार तो रात में आए हुए हैं आप। इतनी ही बहुत बड़ी बात है। ये रोडे मतलब दोनों एरोडे उसी गांव को गई हैं। एक मतलब पहले पहुंचा देती है एक थोड़ा आगे चल के पहुँचाती है हाईवे में मिलके तो हम थोड़ा और आगे तक जाएंगे। ओए क्या भाई? ओए आवाज सुने कहाँ से? ओए ओए आवाज भी आई आवाज सुन आवाज बिल्कुल साफ साफ भाई भाई आ गया यार आगे बढ़ जा यार। यहाँ पे आ तो जो चीज है यहाँ पे यार बहुत ही खतरनाक चीज है। ओए पीछे लगा क्या है यार ये भाई? इस तरफ से कुछ मोमेंट हो रहे हैं यार भाई। भाई कुछ तो नहीं यार। क्या है भाई कुछ है? ओए कौन है? ओए ओए ये आवाजें कहां से आने लगी यार? अगर कोई लोग यहां पे हो तो क्या सामने आ सकते हो? आवाजें सिर्फ दोस्तों कर रहा है कोई जो चीज यहां पे है आने का नाम नहीं ले रहा। हमें लगता है कि वही लड़के लड़की और वही लाचार माँ है
जो कि यार यहाँ पे मुक्ति की भीख मांगती रहती है और अभी तक दिखी नहीं है। क्या आप वही माँ और उसके बेटा और बेटी हो? भाई अबे भाई, हुई। क्या आप लोग सामने आ सकते हो? तो आके दिखाओ। अबे भाई आ रहे हैं यार, आ रहे हो, देख देख, वो आ रहे हैं, तू दिखा दे यहाँ पे, ये देख, ये। अबे भाई यार, अबे सच में यार कुछ कैप्चर हो रहा है। है? हाँ भाई, हुई भाई कुछ कर रहा है वो तो, अबे चल रहा है यार। है? ये तो तीन है यार। पीछे चल, पीछे चल, पीछे पीछे चल, थोड़ा पीछे चल, पीछे चल यार, पीछे चल, क्योंकि ये लोग अटैक भी कर सकते। भाई पीछे चल, कोई भाई 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 भाई, कोई चारों तरफ यार हो कह रहा है। भाई भाई रुक रुक, अबे किस रास्ते पे हम लोग निकलेंगे यार? भाई चल 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 पीछे भाई, वो तो बहुत आवाज कर रहा है यार। भाई चलो, हुई भाई, हुई भाई, हुई, ये देख आवाज। अबे भाई सच में यार, हाँ रियली में कैप्चर हो रहा है यार। लड़का लड़की और वो लाचार माँ यार, जो कि यहाँ भाई वो कैप्चर हो रही है यार, मांगती रहती है मुक्ति की, जमकर जूम। अबे भाई यार, अबे हाँ, इस बार तो बिल्कुल क्लियर जूम हो गया है। अबे भाई कैप्चर कर गया है यार, बस बस सही सही है, सही है। तो पीछे बढ़ता रहा, पीछे 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 बढ़ता रहा यार। बहुत दूर हम लोग बीच जंगल में आ गए थे और भाई पीछे चलते रहा, पीछे 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 चल यार, पीछे चलो भाई, क्योंकि यार ये लोग हम लोगों पे हमला भी देख रही है। आवाज़ें भाई भाई भाई, वो चीज बिल्कुल पास आ रही है भाई। अबे भाई, भाई। हुई। अबे अबे भाई, फिर वो हमें लगता है वो लोग चले गए हैं, क्योंकि आवाजें करना बंद कर चुके हैं दोस्तों यार हम लोगों को। आप लोगों को लगता है कि यार हम डर गए हैं, तो हाँ सही बोलने तो आज तो डर गए हैं, क्योंकि यार वो तीन है, ये तो माँ यार उसके बेटे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अकाल मृत्यु उन लोगों की मौत हुई है, हम लोगों को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकते थे, क्योंकि यार इसीलिए डर गए। लेकिन हम लोग यार सोचते हैं कि यार एक बार तो कैप्चर करके सच सच मतलब साफ साफ दिखवा दिया हूँ, इस बार मैं कोशिश करूँगा कि आगे जाके और भी इससे भी ज़्यादा पास जाके नज़दीक से भाई दिखवा पाऊँ। क्यों ना भाई, तू चलेगा? डरेगा तो नहीं? ओए भाई ऐसा लगा कुछ पीछे से आवाज आई है। नहीं इसी तरफ से आई, कुछ तू डरेगा तो नहीं? डरना मत, चल भाई देखते। ओए भाई तू भाग मत यार, ओए क्या है भाई, कुछ दिखा क्या? पीछे पा, ओए अबे भाई, ओए अबे चल, क्या था? ओए ओए पीछे पा, पीछे ओए। अबे जब तू इस तरफ किया ना, उसके बाद यार उसी पेड़ के पीछे से उन लोगों का देखा यार, तीनों एक साथ अचानक से उनका, हमें लगता क्या उनके भाई सुन, ये जंगल से आवाज आ रही यार। उनका चेहरा देख लिया, उनमें से एक जो उसकी लड़की है उसका चेहरा सब जला हुआ है, उसके बाद काफी ज्यादा वहां से डर लग गया, भाग ले। अब निकलते हैं, शायद आगे है क्या कोई, पता नहीं भाई, आवाजें तो जंगल से आ रही है। ओए भाई कौन है? हाँ यार तू भाई है यार, भाई इस जंगल से निकलेंगे कैसे यार? भाई यही एक रास्ता है, चलते हैं आगे तक, हो सकता है ये चीजें मतलब कि पीछा ना करें, हट जाएं उनको। ने देखा सुना वे भाई पूछ ही जाए यार, भाई कसम से यार, वही तो बड़ी अजीब आवाजें हैं भाई। चलते रहना, चलते रहना। अबे भाई, ओए
इसी तरफ को आ रही है भाई, ओए इसी तरफ को आ रही है भाई, वो चीज़ भाई पीछे चल, पीछे चल, इसी तरफ को आ रही है भाई, पीछे आ रही है अपने भाई। अबे भाई आ रही है भाई, पीछे चल भाई, निकलेंगे कैसे यहाँ से यार। मुसीबत हुई उन लोगों की, मौत हुई है, हमें लगता है क्या हम लोगों को अपने जाल में फंसा चुकी हैं और ये हम लोगों को यहाँ से निकलने नहीं देंगे ऐसा। भाई वो देखो आ रही है भाई, यार वही चीज है, एक बार भाई से देखो, एक मिनट जूम कर, जूम कर भाई, वो कुछ दिख रहा है ऊपर खड़ा ऐसे ना, अब लाइट लगेगी, रुक रुक एक मिनट मैं कैप्चर कर रहा हूँ भाई, ले यार ले, मैं जूम करता हूँ यार भाई, वो देख कुछ दिखाई पड़ रहा है ना, कुछ नहीं कुछ नहीं। अबे भाई हुई आ जाए पास में तब चलते हैं, एक बार कैप्चर कर लेते हैं वरना फिर आएगा यहाँ पे। अबे भाई वो चीज बढ़ रही है यार, बढ़ने दे भाई, रुक तो यार, एक बार सिर्फ एक बार कैप्चर कर ले, बढ़ तो रही है यार वो चीजें भाई, कैप्चर हो गया है यार। अबे भाई रुक तो भाई, देख वो चीज पास बढ़ रही है, आप लोग हम लोगों को निकल जाने दो प्लीज, आप लोगों का कोई नुकसान नहीं पहुंचाने आए हैं, बस देखने आए थे, जो यहाँ पे आप लोगों के साथ मैं समझता हूँ कि बहुत गलत हुआ। अबे भाई मैं समझता हूँ कि आप लोगों के साथ गलत हुआ था, लेकिन उसमें गलती आप ही लोगों की थी, क्योंकि यार आप लोगों ने भाई यार ये बातें भी नहीं कुछ, आप लोगों ने ही अपनी जोर जोर से आवाज कर रही है, जिम्मेदार हो यार ये देख। अबे भाई भाई आया भाई, पीछे से आवाज आ रही यार भाई, रास्ते से कौन से निकलेंगे भाई, जंगल होकर निकल ले क्या और तो कोई रास्ता भी नहीं यार भाई, आवाज आ रही यार भैया, अबे इस वाले पे तो दिखी ही थी, चलते हैं इस वाले रास्ते पे, आ भाई चल यार भाई निकलते, जो भी दिखी थी यार वहाँ पे भाई। अबे भाई वो देख तीनों चीजें वही है यार इस रास्ते पे, अबे लेकिन यार अभी तो सामने थी यार, अबे भाई रुक जा यार, कितने जंगल पे पहुंच चुके थे हम लोग, कुछ नहीं यार अबे, अबे भाई कितनी दूर हम लोग निकल चुके थे दोस्तों, अब हम लोग बाहर आ गए हैं, सेफ हैं, क्योंकि यार जंगल के काफ़ी ज़्यादा अंदर थे और जिस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे वो चीज़ें हम लोगों को आगे ही मिल जा रही थी, क्योंकि मैंने आप लोगों से पहले ही बोल दिया था जो चीज़ें यहाँ पे है यार रोती चिल्लाती हुई दिखाई देती हैं, क्योंकि यार उनको चाहिए मुक्ति, ये भी मुक्त हो जाए, अपना नया जीवन कहीं पाए, इसीलिए ये लोगों से भीख तक मांगती हैं हम लोगों को मुक्ति दिला दो, तो तभी लोग इस पे निकलते नहीं, कोई एक मतलब कभी कभार निकल पड़ता है तो उसको वो चीज़ें दिखती हैं, लेकिन यहाँ पे बताते थे जैसा कि अटैक करने के मूड में रहती, अभी तक तो ऐसा कुछ हमारे साथ हुआ नहीं, बस रोती हुई दिखाई दिया है भाई। दोस्तों अब हम लोग निकल रहे हैं, पता है अटैक ही कर दें जैसा यहाँ पे लोगों को बताना है, तो उससे पहले कि हम लोग निकल जाएं, चल भाई निकलते हैं फिर।